अस्सलाम वालेकुम, आज हम हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, जहाँ हम ब्रीफ करेंगे। यहाँ हम आए हैं ब्रीफ करने के लिए कि लोगों ने अपने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। ये हमारे यूट्यूब खुजदार के लड़के हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं ये कार सेंसर। चलो उनसे पूछते हैं कि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में कितना आगे ले जा सकते हैं। ये है IBS सिस्टम, इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। ये है वकार अयूब, फराग खालिद रईस, और ये है बिलाल पाकर। और बिलाल, आप ब्रीफ कर सकते हैं दो से एक ऐसी, आप थीम बता दें फिर हम आगे। वेरी सिंपल, एक कार का मॉडल डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें हमारे पास IBS सिस्टम है, इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि अगर कोई हमारे पास कोई ऑब्स्टिकल आ जाए इसके डिस्टेंस में, तो ये डायरेक्टली उसको ऑटोमेटिकली रोक देता है। पहले मैनुअली ड्राइवर को इशारा करता है, मतलब अलार्म करता है कि उसे रुके, अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद ये मैनुअली रोक देता है। ओके, थैंक यू। ये थे बिलाल काकर। अब हम जाते हैं अपने स्टॉल नंबर 8 पे, जहाँ अफजल लोग खड़े हैं। ये हमारे सिविल डिपार्टमेंट 3rd ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कैसे हो आप सब? आप थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो थोड़ा सा? देखिए, पहले इसको दिखाया हमारे पास जी। अच्छा, ये बेसिकली है जीरो नेट एनर्जी बिल्डिंग। ओके, ऐसी बिल्डिंग जिसमें हमें वायर से किसी तरह की एनर्जी लेने की जरूरत ना पड़े। okay. बिल्डिंग विद इन बिल्डिंग अपनी एनर्जी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ओके, तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। अब हम बिल्डिंग की ओरिएंटेशन ऐसे रखते हैं कि मिनिमम जो है ना हीट सूरज की इस बिल्डिंग पे पड़े, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इंसुलेशन मटेरियल हाई लेवल का यूज़ किया हुआ है, जो कि एक सर्टेन एंगल पे हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हम लोगों ने जो मेन चीज़ इसमें किया है, वो एनर्जी को रीन्यू करना। हम एनर्जी को 3 तरह से रीन्यू कर रहे हैं। सोलर पैनल्स का तो सभी को पता है, लेकिन वो क्योंकि एक्सपेंसिव है हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कर रहे हैं, वो सबसे पहली जो चीज़ है वो हम विंड एनर्जी को रीन्यू कर रहे हैं और बायोमास से। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक्स। ये था अफजल का ग्रुप और हम आगे चलते हैं। ओके, थैंक्स। अभी स्टॉल नंबर 10, यहाँ पे फराद खड़े हैं हमारी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के, जो आपको ब्रीफ करेंगे अपना प्रोजेक्ट। फराद, आप 1 से 2 मिनट आप ब्रीफ करें, आपने क्या लाए और ये क्या सकते हैं? दरअसल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ग्लास इफेक्ट ऑफ ग्लास फाइबर ऑन द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो इससे हमने कंक्रीट में एक इजाफी चीज़ डाली हुई है। ओके, तो वो इजाफी चीज़ है ग्लास फाइबर। अब ग्लास फाइबर से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ग्लास फाइबर से हमें जो है ना इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ अप करने के लिए, कंक्रीट को स्ट्रेंथ अप करने के लिए हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। थैंक्स। ये थे फराद, जो यूटी खुजदार से ताल्लुक रखते थे। अब हम जा रहे हैं स्टॉल नंबर 3 पे, जहाँ सलमान वाले खड़े हैं, और ये यूटी खुजदार का स्टॉल नंबर 3 है। आप ये थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं प्लीज़? जो है हमारे यूनिवर्सिटी का डायग्राम है, इसको हम लोगों ने क्या बनाया कि ये हमारे पास इधर कैसे कर मेरे तरफ नीचे में समझाते हैं। ये हमारा माइक्रो ग्रिड है यूटी खुजदार का, और जितने डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन चार जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिफेक्ट जो लैब है उनके सामने है। यही हमारे पास स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। बनाने का मकसद ये है कि इसमें हम एनर्जी और जो कंजम्पशन है वो कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, जो हमारे पास एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकें। इसके लिए हमारे पास जो गुड सलमान, ये थे सलमान। स्टॉल नंबर हमारा था 03। अब हम जा रहे हैं स्टॉल नंबर 3 में ही, स्टॉल नंबर 2, जहाँ हमारे पास है आफ्ताब भुट्टी, जो हमें ब्रीफ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में। यूट्यूब खुजदार स्टॉल नंबर 2। आफ्ताब, आप ब्रीफ करें प्लीज़। मेरा जो प्रोजेक्ट है ये DC मोटर स्पीड कंट्रोल बाय यूजिंग अ सेल फोन। ओके, ये हम लोग मतलब सेल फोन के जरिए जो हमारे मोटर्स हैं, घर के अप्लाइंसेज हैं, ऑटोमेशन हैं, मतलब रोबोटिक सिस्टम है, दुनिया के किसी भी जगह पे इंडस्ट्रीज में जो यूज़ होते हैं मोटर्स वगैरह, हम मतलब बगैर किसी हाथ के छुए हुए अपने मोबाइल फ़ोन से, मैंने इसमें एक GSM सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ये मेरा GSM सिस्टम है और इसमें ये ब्लूटूथ सिस्टम लगा हुआ है, ये मैनुअल सिस्टम है। इन 3 मेथड्स में मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ दुनिया के किस कोने में भी। मैं इस नंबर पे कॉल करके उसमें एक नंबर जो मेरा मतलब आप मोबाइल के थ्रू सब कुछ एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको सेंटर कर सकते हैं। ओके, गुड सकता हूँ, गुड टेक्नोलॉजी। ये थे आफ्ताब। अब हम आगे चलते हैं स्टॉल नंबर कौन सा है, स्टॉल नंबर 5 पे। आरिफ हुसैन हमारे डिपार्टमेंट के भी है और मेरे क्लास फेलो भी हैं, वो आपको अपना प्रोजेक्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स से ब्रीफ करेंगे और बताएंगे। आसिम, ये मोहम्मद आसिम और मोहम्मद आरिफ प्लीज़। मेरा प्रोजेक्ट है जनरेशन ऑफ पावर बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वर्क इन्सुलेटर। तो ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को सुपर क्रिटिकल से ऊपर हीट करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसमें हम यूज़
कोई नहीं कर रहे हैं फॉसल फ्यूल, इसमें यूज़ कर रहे हैं हम जियो थर्मल और सोलर, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एबंडेंट उसकी रिजर्वायर मौजूद है जियो थर्मल के, तो हमारे पास ये हमारा मॉडल क्यों यूज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? इसकी वजह ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रीजन है, इसमें स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है एक एज कम्पेयर टू दूसरे फ्यूल्स और उसके। ओके, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड से ये चीज़? जी जी, माशाल्लाह। ये थे आरएफ की डेंसिटी भी ज़्यादा। ओके, इसकी डेंसिटी भी। और ये अभी हम जा रहे हैं हमारे आईटी डिपार्टमेंट के और हमारे टेबल नंबर 5 जो जहाँ के बासित सैफ जी एन और हमारे आतिफ असलम साहब, ठीक है। अभी ये मैं ब्रीफ करेंगे अपना शॉर्ट 2 से 3 मिनट्स, फिर हम अपने आगे टेबल्स की तरफ जाते हैं। आतिफ प्लीज़ ब्रीफ। हमारा प्रोजेक्ट जो कि एक गेम है। ओके, जो कि हमने C++ में इम्प्लीमेंट किया है, इसको C++ के थ्रू हमने ये गेम बनाया है। ओके, इसमें सिंपली C++ के ग्राफिक लाइब्रेरी यूज हुई, टूडी लाइब्रेरी, ठीक है। इस गेम सिंपली एक नया कंसेप्ट, बिल्कुल नया कंसेप्ट, इसका नाम सेमा टच के नाम से, इसका हमने मनसुख के नाम, ठीक है। ये सिंपली एप हमने यहाँ तोड़ देखा है, यहाँ यहाँ अंदर तोड़ देखा है। अभी देखें, ये हमें बता रहे हैं कि यूटी खुजदार के आईटी डिपार्टमेंट वालों ने एक गेम बनाया है, खुद इन लड़कों ने हार्ड वर्किंग की, आप देखें। इसमें एक सोर्स और डिस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, हमारे पास सोर्स है, सोर्स जो कि एरोस की के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं और डिस्टिनेशन तक पहुंचाना है। दरमियान में जो डिस्ट्रिकर्स हैं, मतलब रिकावट्स हैं, इनको टच नहीं करने का, इनको टच करेंगे तो हमारे लाइफ्स कम होते जाएंगे। अगर हम रेड लाइन को टच करेंगे तो हम डायरेक्ट उसको गेम ओवर हो जाएगा। ओके गुड, ये थे आतिफ जो ब्रीफ कर रहे थे यूटी खुजदार से। अब हम अपने आगे स्टॉल की तरफ जाते हैं जो सिविल डिपार्टमेंट के हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये है, अब 2 मिनट्स में सिर्फ आपको ब्रीफ करूंगा। ये हमारे हैं नदीम और रमज़ान जो आपको ब्रीफ करेंगे कि उनका प्रोजेक्ट क्या था। ये हमारे फाइनल ईयर के हैं यूटी खुजदार के, प्लीज़ ब्रीफ आप। हमारा जो प्रोजेक्ट है कि हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं कंक्रीट में, ठीक है, फर्स्ट केमिस्ट्री में हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इससे कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो काफ़ी इंक्रीज़ होगा, और ये काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और काफ़ी इकोनॉमिकल है हमारे पास, और ये लोकली चीनी जो हर घर में अवेलेबल है, हर गाँव में अवेलेबल है। ये थे नदीम सोलंकी और रमज़ान सिविल डिपार्टमेंट। अब ही हमारा लास्ट जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है हमारे पास मोहम्मद आरिफ गोया, जो हमें ब्रीफ करेंगे अपना प्रोजेक्ट के, उनका प्रोजेक्ट क्या है, उनका थीम क्या है, कि वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे कितना काम वर्क कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ, आप प्लीज़ अपना प्रोजेक्ट ब्रीफ कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 मिनट्स के आगे भी हमें जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं, वो है हम वेस्ट प्लास्टिक, जो है वेस्ट प्लास्टिक है हमारे पास, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का कारण बन रही है, उसको हम यूटिलाइज करके उससे हम फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैसे करें, हमारे पास प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे पास प्रोसेस है। अस्सलाम वालेकुम, जाने ठीक ठाक है से? पल्स प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जो वेस्ट प्लास्टिक हमारे पास होता है उसको हम जो है बर्न बैच रिएक्टर हमारे उसके अंदर जो है वेपोराइज कराते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसको जो है ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी इसको कंडेंस करेंगे वाटर फ्लो के जरिए से, कंडेंस करके हमारा मिक्सर आएगा फ्यूल और उसका तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि आप वेस्ट मटेरियल से ये लोग वेस्ट मटेरियल से पेट्रोल वगैरह बनाएं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। ये थे यूटी खुजदार का बैच, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और ये काफ़ी टेक्नोलॉजी में इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें लाई हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इस तरह की बाकी जो हमारे पास वो होंगी समय वगैरह होंगी, आप उन पर इंशाल्लाह नई वीडियो देखने के लिए मैं आपको नई नई वीडियो इंशाल्लाह पेश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।